सिवनी के लखनादौन विद्युत मंडल कार्यालय में प्रोग्रामर के पद पर तैनात मुक्तेश गुप्ता का टोल कर्मियों के साथ हुए विवाद का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वे टोल न देने के लिए टोल कर्मियों पर दबाव बनाते और धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सिवनी मार्ग पर बंडोल के पास बने अलोनिया टोल प्लाजा का है, जहां विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता की गाड़ी में सवार प्रोग्रामर मुक्तेश गुप्ता टोल कर्मियों से विवाद करते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं। मुक्तेश गुप्ता ने अलोनिया के टोल टैक्स पर टोल कर्मी द्वारा टोल मांगने पर ना देते हुए अपनी दबंगई दिखाई और कहा कि ये मध्य प्रदेश शासन की गाड़ी है, इसे कैसे रोक सकते हो, और ये गाड़ी डी साहब की है और हम लोग अपने सेक्टर में जांच करने आए हैं, तो आप टोल कैसे मांग रहे हो। टोल कर्मी और गुस्से में बौखलाए इस अधिकारी के बीच विवाद और भी बढ़ता गया। तब गुप्ता ने कहा कि हमारी ही बिजली यूज करते हो, बिजली काट देंगे तो क्या करोगे, फिर चक्कर काटते रहना, फिर हम वसूलेंगे टोल। प्रोग्रामर मुक्तेश गुप्ता ने बताया कि वो डी साहब से मिले, आदेशानुसार मीटिंग अटेंड करने सिवनी गए हुए थे। लौटते वक्त टोल कर्मी द्वारा नहीं छोड़े जाने पर उनके साथ टोल कर्मी द्वारा बदतमीजी की गई और अंत में टोल भी चुकाया। प्रोग्रामर के पद पे पदस्थ हूं लखनादौन में। किस विभाग? मुक्तेश गुप्ता जी, बिजली विभाग जी। कल मेरी वीसी थी, मैं यहाँ वीसी अटेंड करने गया था सिवनी। जाते समय मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लौटते समय मेरे वाहन को जो कि डी साहब के अंडर में है, वो उस वाहन को रोका गया और जब मैंने उनसे कहा कि है ना इस वाहन को अलाउ हुए जाना, तो उनने मेरे साथ बदतमीजी की। इस बारे में एमपीईवी के अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लिया है। अभियंता से बात की तो पता चला है कि उन्होंने ही अपने कर्मचारी को मीटिंग में भेजा था और इस प्रकार की घटना की जानकारी मिलने पर उन्होंने भी उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। इस मामले में उच्चाधिकारी द्वारा दबंग प्रोग्रामर मुक्तेश गुप्ता को बचाने की कोशिश की जा रही है। सिवनी में एक्चुअली वीसी थी, इसलिए गुप्ता जी सिवनी गए हुए थे, जाते में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लौटते में प्रॉब्लम हुई थी। वैसे भी गाड़ियों को एमपीवी गाड़ियों को वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती है, कल क्यों घटना हुई इसको मैं देखवा रहा हूँ, देखना जाँच कर रहा हूँ क्यों ये घटना घटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।